क्वेश्चन नंबर टू अगेन अजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है. अजर्शन है इन रेस्पिरेटरी पाथवे डिफरेंट सब्सट्रेट वुड एंटर इफ दे वर टू बी रेस्पायर्ड एंड यूज टू डिराइव एनर्जी. जनरली जो फेवर्ड रेस्पिरेटरी पाथवे में जो सब्सट्रेट होता है, जो कंपाउंड एंटर करता है वो है ग्लूकोज. उसके अलावा फैट्स को भी देखा गया है रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हुए इन प्रोटीन्स को भी. तो जो फैट्स है, अगर फैट्स एंटर कर रहे हैं तो इन फैट्स को पहले तोड़ा जाएगा दो कंपाउंड में, यानी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. तो जो फैट्स हैं, फैट्स किस में टूटेंगे, फैटी एसिड्स में टूटेंगे एंड ग्लिसरॉल में टूटेंगे. तो फैट्स भी एंटर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में. फैटी एसिड कैसे एंटर कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होके फिर वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा. एंड ग्लिसरॉल किस में एंटर करेगा, पीजीएएल बना के साइकिल के थ्रू एंटर करेगा. तो फैट्स की ये कहानी है. अगर प्रोटीन्स की बात की जाए तो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें पहले ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीएजेस एंजाइम की मदद से अमीनो एसिड बनेंगे, देन वो अमीनो एसिड डीएमिनेशन के थ्रू फिर आगे जाके एंटर करेंगे साइकिल में एज पाइरूवेट, नहीं तो एज अ क्रैब्स साइकिल. तो इसीलिए ये बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेटरी पाथवे में अलग अलग सबस्ट्रेट, यानी कि ग्लूकोज हो गया, या अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स हो गए या प्रोटीन, सभी एंटर कर रहे हैं एंड वो एनर्जी निकाल रहे हैं. रीजन क्या है, फैटी एसिड को ब्रोक डाउन किया जाएगा इंटू एसिटाइल कोएंजाइम में. बिल्कुल सही है, फैटी एसिड टूट रहे हैं इंटू एसिटाइल कोएंजाइम में बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो फैट्स को पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, फिर फैटी एसिड किस में जा रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एंटर कर रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे यानी क्रेब्स साइकिल से. तो ये रीजन भी यहाँ पर सही है. तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जैसे रेस्पिरेटरी पाथवे में फैटी एसिड एज अ सब्सट्रेट जा रहा है. तो दोनों यहाँ पर सही है. तो बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन.